कल है पायल का बर्थडे, गिफ्ट ऑर्डर कर ले, अभी आज ही दे दूंगा मैं आपके लिए गिफ्ट, आपका बर्थडे का। वाह, मैं आज नहीं खोलूंगी, इसे कल खोलूँ। पायल पूरे 40 साल की हो जाएगी कल ना। पेपर कितना प्यारा लगा हुआ है, वो बैटमैन का लगा रहे थे, मैंने बोल दिया मम्मा है, बच्चा नहीं है। छोरा काम करूँगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूँगा। सुबह तो मजेदार होने वाला क्योंकि कल है मम्मा का बर्थडे, इसलिए मैंने अभी एक गिफ्ट ऑर्डर कर लिया, अभी आज ही दे दूंगा मैं। तो गाइस कल है पायल का बर्थडे और चीकू और मैंने ना ब्लिंकिट से बहुत प्यारा गिफ्ट मंगवाया है पायल माँ के लिए। तो चीकू ने इसलिए मुझसे पूछा कि उसको पता है, क्योंकि पहले ना चीकू कहता था मम्मा मेकअप, मैंने बोला बेटा तू मेकअप मत मंगा क्योंकि मेकअप का है ना हर ब्रांड अवेलेबल नहीं होता। तो बहुत ही प्यारा सा हमने आई लव मॉम वाला कार्ड है और बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है, पायल को बहुत पसंद आएंगे इयररिंग्स, क्योंकि आज हमारा शूट भी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो शूट है वो लेट है। लेट क्यों है, कब क्यों जाओगे? बेटा शूट लेट इसलिए क्योंकि डांस वाला गाना है ना, तो शाम को जाएंगे, शाम फिर अगले दिन आएंगे, मतलब 24 घंटे का शूट है बट लेट नाइट है। मैं भी चलूं फिर? हाँ भी चलना। ठीक है। तो गाइस तीनों बच्चे उठ चुके हैं, करके बच्चों को नहला रहे हैं। तो जैद नहा चुका है, उसके बाद अयान की टर्न है, फिर तूबा की टर्न है। पता नहीं आजकल क्यों ना रोते हैं बच्चे नहाते हुए, पहले बड़ा खुश होकर नहाते थे, अब इतना देर से रो रहा है ना जैद, ऊँ करके भी जाके इसको देखती हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक एक करके बच्चे रेडी हो गए हैं, मेरा अनु बाबू सुंदरी बाबू रेडी हो गई है, वहाँ पे मेरा जैदा भी रेडी हो गए। हाँ जी, तो जैसे मैंने बोला ना जैदा रेडी हो गया तो जैदा भाग गया, ये रहा जैदा, पकड़ो जैदा को पकड़ो 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 पकड़ो, आगी मम्मा आगी मम्मा आगी मम्मा आगी आगी आगी। जैदा हाँ जी, दोनों भाई कितने सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत प्यारे भाई लग रहे हो। तो भाई जैद ने दोबारा कपड़े अपने गंदे कर दिए, अभी जस्ट नहाकर तीनों बच्चे रेडी हुए थे पर इसने अपने सारे कपड़े दोबारा गंदे कर दिए। बाथरूम में चला गया, बाथरूम खुला हुआ था, वहाँ पर जाके भीगा है, तो इसके चक्कर में सारे जो नाइट सूट है मेरा भी भीग गया। अब इसके दोबारा कपड़े चेंज हो रहे हैं। अयान और तूबा दोनों को मन्नू के पास बिठा कर आई हूँ और जैद को लेकर आई। उधर मैंने कहा चल पहले इसके कपड़े चेंज कर दूँ, तो आंटी यहाँ पे इसके कपड़े चेंज कर दिए। तो ये वॉशरूम जो है ना ये ओपन था, तो जैद का मुझे पता नहीं चला, मैं आवाज मारू जैदा जैदा का देखा तो बाल्टी में पानी था, मग्गे से खेल रहे हैं और पूरा भीग गया लड़का, दोबारा नहीं लाया। थोड़े दिन पहले ऐसे सेम अयान ने किया था, नहा धो के बाटा में जाके बैठ गया। जब बच्चे बाटा में बैठते ना डायपर इतना भारी हो जाता है, इतना पूरा का पूरा पानी चला जाता है, पूरा फूल जाता है। तो गाइस जो चीकू ने ब्लिंकिट से पायल के लिए गिफ्ट मंगवाया था ना वो आ गया, इतना बड़ी पन्नी में इतना छोटा सा गिफ्ट आया। कहता मम्मा मुझे बैग भी ऑर्डर करना है, मुझे लगा पैक आएगा, तो एक तो कार्ड आया है यू आर द बेस्ट मॉम, ये वाला कार्ड आया है और साथ में हम लोगों ने इयररिंग्स मंगवाए थे बहुत ही सुंदर, तो वो इयररिंग्स आ गए। पर ये जो सामान है बहुत ज्यादा कम लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा बैग है, इतने बैग के अंदर छोटा सा सामान। ठीक है, काम करना आप, आज हमारा शूट है ना, आप अभी शूट पे मत चलना, बाद में आना शूट में। सुनो तो मार्केट जाके गिफ्ट ले आना ना, अभी ले आऊंगा ना मैं, अभी कोई नहीं है ना बेटा, आ रहे सूर्य चो आ रहे हैं। ठीक है। तो गाइस अभी क्या हुआ ना, और इसका बच्चों का कार्टून चल रहा था, तूबा यहाँ पे बैठी थी, तो मैंने तूबा को बोला, मैंने कहा तूबा रिमोट देना मम्मा को, तो आई मेरे पास, कह रही रिमोट, मतलब इतनी बात सुनते हैं बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हो चुके हैं ना, सारी बातें सुनते हैं। अभी पूरा इनका कमरा जो है ना नीट एंड क्लीन हुआ है, तो अभी यहाँ पे इन्होंने फिर से ना सारे के सारे टॉयज निकाल लिए। तूबा क्या चाहिए आपको? दुद्दू आंटी ला रही है मेरे बेटी का। तो गाइस मैं ना तीनों बच्चों को वहाँ पे छोड़ के आ गई क्योंकि तीनों बच्चे बैठ के दूध पी रहे थे, साथ में कार्टून देख रहे थे। मैं चीकू को ले आई, उनके चीकू हम दोनों चलते हैं, क्योंकि चीकू पता है क्या होता है, बच्चे किसी और को देखते हैं ना तो जिद करने लग जाते हैं, ऐसे आपको देखेंगे ना तो सोएंगे नहीं और मुझे देखेंगे तब भी नहीं सोएंगे। तो गाइस ये अभी यहाँ पे जिद कर रहा है की मेरे को बाहर जाना है, गिफ्ट लेके आना। मैं बोल रही हूँ बेटा अभी थोड़ी देर रुक जा, चाचू तेरे आएंगे तब तो चला जाइयो, अभी चीकू थोड़ी देर रुक जा, क्या भी जाना है, क्या लेकर के आएगा? आधा घंटा लगेगा, उनके नाम का ना कुछ ऐसे बनवा देता हूँ। कौन सी शॉप से बनवाओगे? एक शॉप है, क्या बनवाओगे? कुछ ऐसा मग वग बनवा लूंगा। हाँ पायल माँ के नाम का मग बनवा लो जिसमें वो रोज प्रोटीन पिए। तो गाइस ये वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे, मग बनवा लो थोड़ा बड़ा, कुछ और चीज ऐसे कि तो यूजफुल हो। हाँ ठीक है, वो ताकि मम्मी उसको यूज कर सके। ठीक है। तो गाइस कल जो तूबा के साथ हो रहा था ना वही अयान और जैद के साथ भी हो रहा है। आप लोगों को पता है कि ना बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, तो किसी का कमेंट आया सुखजीवन 3108 का, इस सब गोल के बेनिफिट बहुत अच्छे है, पानी में चम्मच के साथ हिस्सा 4 आवर्स के लिए डालकर रख दो, फिर तूबा को दो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तूबा को पपीता दो, लव यू कृतिका। पायल बच्चों को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच सुखजीवन जी, बिल्कुल मैं काम करती हूँ, आज ही पपीता मंगवाती हूँ, बच्चों को पपीता देती हूँ और जो आपने इस सब गोल बोला ना वो भी दूंगी। तो गाइज एक और बड़ा प्यारा कमेंट आ रखा है, वो आ रखा है सेम सुखजीवन का, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, चीकू के स्कूल से शुरू हुआ, कोशिश करो चीकू के व्लॉग में चीकू का ब्रेकफास्ट टिफिन से लेकर स्कूल आकर फिर ट्यूशन जाकर घर आके बच्चों के साथ खेलना। तो सुखजीवन जी चीकू सब कुछ ये करता है, ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, फिर बच्चों के साथ खेलता है। सो गाइज नेक्स्ट कमेंट है बृष्टि शॉर्ट्स का, गोलूदी में वेस्ट बंगाल से हूँ और तोबा को कॉन्स्टिपेशन के लिए साबूदाना को उबाल के खिलाओ, थोड़ा सा मिश्री डालना, उससे बच्चे का वेट गेन होगा और कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, बहुत हेल्पफुल है, पपाया उबाल के खिलाओ। ये मैं पक्का 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 ट्राई करूंगी बृष्टि, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने बोला ना साबूदानों को उबाल के खिलाओ मिश्री डाल के, तो मैं आंटी को बोलती हूँ आज ही खिलाएगी और साथ में पपाया। थैंक यू। तो गाइज एक कमेंट और आया है, वो है फनी बोन्स कपल का, तोबा को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो देखो अगर उसको मिल्क टॉलरेट होता है या नहीं। तो गाइस उसको मिल्क टॉलरेट हो जाता है, कभी कभी मिल्क में लैक्टोज होता है और मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कुछ बच्चों का लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे बोलते हैं, उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है। तो गाइस लैक्टोज इंटॉलरेंस ना एक बार शायद जैद को हुआ था, तब डॉक्टर ने उसका जो दूध है वो चेंज कर दिया था, 0 लाख दूध कर दिया था। तो अभी क्या है बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, बट मुझे शायद लगता है की मिल्क हमने चेंज करा उसकी वजह से शायद कॉन्स्टिपेशन हो गई। तो मैं बच्चों को ना साबुदाना ना उबाल के जो आपने बताया और साथ में ना पपाया दूंगी। चीकू हाँ जी, ये लो 5, 6, 7, 800 है, 800 में आपको गिफ्ट लेके आना है, ठीक है? और 100 रुपीज की आप चिज्जी खा लेना, 500 मतलब कि इतने में ही लेके आना है, इससे ज्यादा नहीं लेके आना। ओके, इसने ऑलरेडी जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था अभी 400 रुपए का मंगवाया है, तो हमें पैसे इतने वेस्ट नहीं करने, पापा को पता चल गया ना गुस्सा करेंगे, ठीक है? पैसों की कदर करो। चलो बाय, चाचू को दो बाय बाय, चलो बाय। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गिफ्ट लेना मम्मा के लिए, तो आपको मिलते हैं सीधा शॉप पे। हाँ तो चीकू भाई क्या ले रहे हो? ले रहा था मैं कुछ, और वो कल क्यों, आज 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 चाहिए था भैया। आपको एक कप पे प्रिंट करना है, ठीक है कर देंगे। कब मिलेगा? मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। आज क्या प्रिंट करना है? कब? फाइल फाइल। खाली नाम ही प्रिंट करना है या फोटो भी प्रिंट करनी होगी? फोटो भी प्रिंट कर देना। फोटो भी प्रिंट करनी, फोटो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है? दे देंगे, ठीक है करा देंगे। कब मिलेगा? मिल जाएगा। अभी मैं सोच रहा था कि वो ले लूं, क्या नाम है, कप पे प्रिंट करके वो ले लूं, लेकिन वो कल तक मिलेगा, इसलिए मैं कुछ छोटी चीजें ले लेता हूँ। कल तो बर्थडे है मम्मी का, कल है बर्थडे, लेकिन आज ही लेना था ना, ये कटाना है। अजी भाई चीकू नहीं मिला, देख रहा हूँ। ये क्या भैया? भाई चीकू पूरी दुकान छान मारी है। छान मार रहा हूँ भी, मारी नहीं, दिखाना कुछ लड़कियों के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ढंग का दिखाओ ना भैया। पर्स, पर्स दोगे मम्मी को? ये ले लूं? ये लेना है मम्मी के लिए? भाई यही समझ नहीं आ रहा, तू अपने लिए ले रहा है मम्मी के लिए ले रहा है? चलो देखता हूँ। तो गाइस मम्मा के लिए मैंने डिसाइड करा ये लेने के लिए, और मैंने अपने लिए थोड़ी देर के लिए लेने के लिए ये लिया। इसमें ये एक लोहे की स्ट्रॉ है और इसमें बना हुआ है हार्ट शेप का। किस लिए लिया है, क्या यूज होगा चीकू भाई इसमें? मम्मा जूस वूस पीएंगी। मम्मा के लिए मैं ले आया हूँ गिफ्ट, अभी मम्मा को देता हूँ क्योंकि मम्मा अभी शायद से उड़ के होगी। मम्मा ये लो गिफ्ट। ये क्या है बेटा? आपके लिए गिफ्ट, का बर्थडे का। वाह, मैं आज नहीं खोलूंगी इसे, कल खोलूँ। नहीं आज ही खोलो। नहीं मैं कल खोलूँ। अरे नहीं आज ही खोल लो। पैकिंग तैयारी करा है। ये 35 रुपए का बैग है, ब्लिंकिट से मंगवाया मैंने, अभी सो रही थी। हाँ 2 चीजें ब्लिंकिट से मंगवाई है और बाकी चीकू लेकर आए। मैं अभी नहीं खोलूंगी भाई, ये मैं शूट पे खोलूंगी, शूट पे खोलूंगी, ये शूट के लिए काम है। हाँ 500 का बर्थडे है, पाल पूरे 40 साल की हो जाएगी कल ना। 50 की बोल देती, 10 क्यों कम कर दिया? सच्चाई पता चल जाती ना, 50 बोल देती। 40 की है तो लगती नहीं है, तो लगती 4 साल की है। 4 साल की दीदी इतना 14। अरे सच सच बता, वैसे वैसे लोग हमें बुढ़ी बिजड़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और अब बोलेंगे दादी अम्मा। पर एक बात बता, 40 साल का अगर मैंने को बोला, कोई बोल सकता 40 साल की है? इन सब हम सबसे छोटी लगती है तू। देख ले, देखो तो अंदर भी लगती, दिखा देगी, दिखा दिया मैंने गाइस को। बेस्ट मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम मम्मा, आई एम द बेस्ट मम्मा, माय बेबी इज बेस्ट मॉम। वाओ कितना प्यारा है यार। मदर्स डे को इग्नोर करना, मदर्स डे वो एक्चुअली ना मैंने ब्लिंकिट से चीक मंगवाया, ये तो लिखा यू आर द बेस्ट मॉम, जैसे मैंने पढ़ा ना बेस्ट मॉम, मैं इतनी भावुक हो गई। हाथ ये देख के अंदर का तो देखा ही नहीं, अंदर क्या लिखा था। ये इग्नोर कर दे, इसको ना कट कर दे अपने दिमाग से। नहीं है मदर्स डे हर दिन माँ से ही तो होता है ना भाई चीकू? हमने यू आर द बेस्ट मॉम के हिसाब से मंगवाया था कि ये बेस्ट मॉम है। कुछ नहीं, पाल खोल देते, प्यार से लेके आया तो शूट पे चली जाएगी, तभी लेकर आए हो। इसमें ना कुछ तेरे लिए बहुत स्पेशल है जो तू आज वेयर करेगी। इतना हिंट दे दिया, अब इसका भी हिंट थोड़ा सा दे दो बेटा। इसका मतलब इसके अंदर है झुमका, है ना? ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट। देखा, देख लेंगे, देख लेंगे, देख लेंगे। अभी नहीं देखा भाभी, देख लेंगे तो देखेंगे। तो सही मम्मा क्या है, क्या देखते हैं? पायल भाभी की प्रेडिक्शन अरमान भाई की तरह है, मुझे तो नहीं लग रहा। लग तो मुझे भी नहीं रहा। MRP देख ले, मैंने 1300 रुपए का है, जो भी है। नहीं नहीं डिस्काउंट पड़ा था। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, इयररिंग्स है। इयररिंग्स की मैं आज अपने शूट पे पहन के, क्या कहा था मैंने कि पायल पहनेगी, मम्मा को अच्छा लगा ना। अब ये भी देखो, ये वाला तो मेरे लिए सरप्राइज है पायल, क्योंकि ये चीजें तो मैंने पसंद की थी और पर पन्नी संभाल के रखी 35 रुपए की है। अगली बार किसी को गिफ्ट देना ब्लिंकिट से मंगवाइए यार। पेपर कितना प्यारा लगा होता है यार, वो बैटमैन का लगा रहे थे, मैंने बोल दिया मम्मा है बच्चा नहीं है। क्या क्या कहता है वो ना, लोग बैटमैन का पेपर लगा रहे थे फिर मैंने बोला मम्मा है बच्चा नहीं है। देखो मेरे बेटे क्या लेके आए। अभी तो भाई कल करेंगे ग्रैंड पार्टी, बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी करेंगे। आज ही करेंगे, कल कौन करेगा? आज ही, जिसमें शूट पे ही केक कट करेंगे, इतने सारे लोग शूट पे केक कट करते हैं पार्टी। तुम लोग घर पे करना, वीडियो कॉल पे खाना, वीडियो कॉल पे कर लेना, मैं केक बचा के ले आऊंगी। तुम आ जाना रात को 12 बजे केक सरप्राइज देने के लिए भाई को। वाह चिकू कहते हैं ना मम्मी प्रोटीन पीती है रोज। कितना सुंदर है यार चिकू। गुड मॉर्निंग। अब तो आज से इसमें प्रोटीन पियो, आज से इसी में मेरा प्रोटीन बना। अभी थोड़े दिन पहले किसका आपका ही बर्थडे मनाया। साल में उसकी 2 बार आते हैं। कोई दिक्कत? तुझे कोई दिक्कत है? दिन भी तो काटा था भी। अरे पिछली बार आपका मनाया, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। तो गाइस पायल के 2 बर्थडे इसलिए आते हैं, एक 22 अगस्त है, एक 4 मार्च है। तो पायल ना की एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन में, तो वो पायल उसके साथ ना अपना बर्थडे मनाती थी। तो है ना ये कहानी है ना, 2 बर्थडे। फिर क्या कहानी थी? कहानी ये है गाइस, जब मेरे को स्कूल में डाला गया था तो मैं थोड़ी छोटी थी, तो अक्सर ऐसा होता है बच्चे को ना थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो मेरा एडमिशन के चक्कर में, मेरा बर्थडे 22 अगस्त है पर मेरा 4 मार्च मेरे पापा ने करवा। एक्चुअल आपका क्या है? 22 अगस्त। तो मेरे को तो एक्चुअल 4 मार्च लगता था। चलो कोई, हम दिल से दोनों मनाया करेंगे, कुछ भी हो, इसलिए हम 2 बार बर्थडे मनाते। ठीक है, हम भी 2 बार मनाएंगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खापेश को बाय बाय। तो गाइस मेरा गाना आ चुका है नया, मुझे स्कूल नहीं जाना। जिसे नहीं देखा है जल्दी जाके आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे रील बनाए, चिकू को टैग करे, चिकू अपनी स्टोरी पे सारे रील्स को डालेगा। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे स्लिमिंग किट और हेयर ऑयल जो है इंटरनेशनल डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपको इंटरनेशनल मतलब बाहर से ऑर्डर करना है तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहे होंगे, इन नंबरों पे कॉल करके आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाय बाय गाइस।